हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स, या फिर इनका एक और नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है। राउल्ट्स लॉ के बाद हम लोगों ने उसमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम लोगों ने दोनों डेविएशन सीखे हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड ऑल्सो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप देख लीजिए वीडियो, क्योंकि उसमें जो ग्राफ हमने डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है हमारा, बहुत छोटा सा। ठीक है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रॉप्स, या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन समझते हैं। दीज आर द, व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड। ठीक है, जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड एंड हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेस, इन वेपर फेस। ठीक है, मतलब दो लिक्विड्स हमको मिक्स करने हैं, राउल्ट्स लॉ की कंडीशन ही वही है। या हमने दो लिक्विड ले लिए कोई ए और बी, इन दोनों को मिला दिया आपस में और ये हमने एक सोल्यूशन बना दिया। तो अब क्या होगा, इस मान लीजिए एक लिक्विड ए है, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, पहले बी का भी अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन मान लीजिए दोनों का अलग अलग है। ठीक है, अब जब दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हमें लानी है कि भैया वो दोनों लिक्विड, अब मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 पहले और इसका है मान लीजिए 120 बी का, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए, इससे कम, इससे ज़्यादा या इसके बराबर। ठीक है, तो तीनों केसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू से कम आ जाए, मतलब ना 100 हो ना 120 हो, दोनों से कम आ रहा है, 100 से कुछ कम आ गया। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों की वैल्यू से कुछ ज़्यादा आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर, एक एक इंडिविजुअल कंडीशन पे, मतलब जब हम लोग ए का कुछ पोर्शन बी का कुछ पोर्शन मिलाएं जो फिक्स होता है, उसको उतना मिलाने पर ये दोनों लिक्विड एक साथ बॉइल करें किसी एक टेम्परेचर पे। तो जब हमारी तीसरी वाली जो कंडीशन है, जब ये एक साथ बॉइल करेंगे, मतलब लिक्विड फेज जितनी कंपोजिशन होगी उतनी ही वेपर फेज में होगी, तब ये सेम बॉइल करेंगे, मतलब एक ही टेम्परेचर पे, उन्हें बोलते हैं एजियोट्रॉप। हम लोगों ने जो ग्राफ समझा था, समझिएगा ध्यान से, जैसे राउल्ट्स लॉ के हमने दो ग्राफ समझे। ठीक है, दोनों ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले पहला ग्राफ कुछ इस तरह से, सपोज ये हमारा एक्स ए है, एक्स बी है, ये 1 से है, 0 से है, और यहाँ पे हो गया एक्स ए 0 और ये हो गया एक्स बी 1। ठीक है, इधर हमारा वेपर प्रेशर था। ठीक, अब मान लेते हैं हमारे पास जो ग्राफ है, आइडियल बिहेवियर का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में मैंने पहले समझा रखा है पुरानी वीडियो में, आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा वीडियो की। ठीक है, और मान लीजिए हम लोग एक डेविएशन लेते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये हमारे सबसे पहले तो नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन वाले ही केसेस होंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सपोज वो ग्राफ कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये हमारा पी टोटल था, ये पी ए और ये, सॉरी
ये पी ए होगा और ये पी बी होगा। ठीक, इस ग्राफ में क्या बताया था हमने, एक पॉइंट ऐसा बताया था जिस पर ये जो वैल्यू है, देखिए वेपर प्रेशर की वैल्यू इस पॉइंट पे हमने कही थी क्या है, नोट करनी है आपको, वेपर प्रेशर क्या है यहाँ पे, मिनिमम है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ वैल्यू है अपनी अमाउंट की, चाहे एक्स ए का हो चाहे बी का हो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब हम ए और बी को मिलाएंगे, रेशियो में जब हम लोग मिलाएंगे उसको, तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट वाले को हम लोग एक तरीके से अगर एज़ियोट्रॉप बोलेंगे तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप, समझिएगा ध्यान से, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग जी, ओके, सो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप्स क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप्स वो होंगे, पहली चीज कि जो सॉल्यूशंस हमारे राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज द सॉल्यूशंस शोइंग negative deviation from Raoult's law will form maximum boiling azeotrope। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, अब देखिए ये जो हमने पॉइंट मार्क किया है इसको आप बोल सकते हो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग इधर एक्स सॉरी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बी का रेशियो सपोज, और यहाँ पे ए का ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं एज़ियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, एज़ियोट्रॉपिक कंपोजिशन क्या होती है, जिस रेशियो में ए और बी को मिलाने पर वो हमारा एज़ियोट्रॉप बनाएगा उसे बोलते हैं एज़ियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ठीक है, अभी क्या होगा, एट एज़ियोट्रॉपिक कंपोजिशन, एट एज़ियोट्रॉपिक कंपोजिशन, ये सबकी अलग अलग होती है, जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगे, जितने भी लिक्विड्स मिलाओगे नेगेटिव डिविजन वाले, उनकी एज़ियोट्रॉपिक कंपोजिशन अपनी अलग अलग होती है, वो आपको याद नहीं करनी है, क्वेश्चंस में देता है आपको। ठीक है, बस एक आध आप याद कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल एज़ियोट्रॉपिक कंपोजिशन, द सॉल्यूशन विल हैव क्या होगा, सॉल्यूशन के पास मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इस कॉम्पोजिशन के अलावा आपके पास ऐसा कोई भी है, आप ए ले लो बी ले लो, चाहे जितना मिला दो रेशियो में, मान लो एक रेशियो हम फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पहले उससे समझते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl, ठीक है, और वाटर, ये हम लोगों ने नेगेटिव डिविजन में डिस्कस किया था। अब HCl का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, अराउंड 188 केल्विन। ठीक है, और वाटर का जानते हैं आप 373 कितना होता है केल्विन। अब इन दोनों को अगर मैं एक पर्टिकुलर रेशियो लाइक इसको मिला देता हूँ 79.7% लेता हूँ, और ये हो जाए हमारा 20.3%। ठीक है ना, कितना हो गया, ठीक, ठीक है, सही है, ठीक, मान लेते हैं ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है, वाटर हमारा बॉइलिंग पॉइंट जिसका कितना होता है 373 केल्विन,
और HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 188 केल्विन अराउंड, ठीक है। और अगर हम लोग एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं जिसमें हम लोग वाटर को इतना परसेंटेज लें और HCl इतना मिलाएं, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन है। एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन ये सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक। जैसे ये हमारा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट में इस सॉल्यूशन को इतना अगर हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इस पॉइंट पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा विल बी हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये भी हो गया, अगर आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहे हो तो इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी, कौन सी ज्यादा है, ये वाली, इससे ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ठीक है, क्या समझ रहे हैं, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका अराउंड आएगा आपका 383 केल्विन, कितना आता है इसका 383 केल्विन, इसका सॉल्यूशन आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 383 केल्विन, ना इतना है ना इतना है, इतने पर अगर इस रेशियो में दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा 383 केल्विन टेम्परेचर पर ये दोनों लिक्विड एक साथ बॉइल होंगे और दोनों लिक्विड एक साथ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, पहला कौन सा केस हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये जो रेशियो है ये आपको याद कर लेना है, कभी कभी नीट वगैरह क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि भैया इसका इसका क्या परसेंटेज होता है, ठीक, कभी कभी, ठीक है। बाकी आपको दे सकता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, कैसे क्या एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन क्या होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जितने भी एग्जांपल्स हमने नेगेटिव डेविएशन में पढ़ाए हैं वो सारे आपके आ जाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाने में। सबकी रेशियो आपको नहीं याद करनी है, अगर बोर्ड एग्जाम आपको देना है तो आपको रेशियो वगैरह नहीं याद करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के एजियोट्रॉप, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं बस, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ चीजें चेंज होंगी बस, द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की जगह हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन द सॉल्यूशन विल हैव मिनिमम नहीं, अब क्या होगा मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल भी क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, इस तरह की कंडीशन हो गई। अब ये एग्जाम्पल हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। तो अब जितने भी सोल्यूशन हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ दे विल बी हैविंग मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज, अब मान लीजिए ग्राफ से समझते हैं फिर से जल्दी से, ये हमारा ग्राफ है, ठीक, ये हमारा एक्स ए एक्स बी, ये जीरो ये वन, और ये हमारा एक्स ए ये हो गया, सॉरी ये जीरो हो गया, एक्स बी हो गया वन, वेपर प्रेशर फटाफट ये बनाया, आइडियल का केस हो गया पहले रेड से, ठीक है, और ये हमारा हो गया आइडियल बिहेवियर, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन वाला शो करना है तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमारे पास ये रहा, ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा पी ए, ये हो गया अपन का पी बी, और ये हो गया हमारा पी टोटल, मतलब पी ए प्लस पी बी का। तो नाउ द सॉल्यूशन शोइंग विच डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, उसमें क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी मिनिमम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे हमने बताया था, तो उस इस ग्राफ में वो पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया मिनिमम हो गया। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग लेते हैं एथिल अल्कोहल, सपोज पॉजिटिव डेविएशन है इसका, बहुत पूछ लेते हैं कभी कभी, वाटर में मिक्स करते हैं तो एथिल अल्कोहल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 351.3 केल्विन अराउंड, इतना ही होता है सपोज, ठीक है,
और इसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं आप, वाटर का 373 केल्विन। ठीक है, अब हम लोग मिलाने के लिए देखें अगर कॉम्पोजिशन, ठीक, कॉम्पोजिशन हम लोग लेते हैं तो अगर हम एथिल अल्कोहल मिलाते हैं करीब 95.6%, सपोज नहीं, ये आपको फिक्स रखनी, ये बदल नहीं सकते आप, और बची कितनी 4.4%, 4.4%, तो ये बाकी बच गया आपका वाटर। तो अगर आप इस रेशियो में, किस रेशियो में, एक मिनट, ठीक, तो अगर आप इस रेशियो में इन दोनों को मिला रहे हो, एथिल अल्कोहल और वाटर को, तो टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 351.3, ठीक है, वाटर का इतना होता है 373, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम आ रहा है, मतलब इन दोनों में से, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आ रहा है, इन दोनों में से जो कम वैल्यू है, कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली 351.3, इससे भी कम आएगा वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट का। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आता है दैट इज 351.1 केल्विन अराउंड, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी कम आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज्यूट्रॉप। ठीक, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा, तो इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी दैट इज 351.3, ये वाली कम है, इससे भी कम आएगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एट दिस कॉम्पोजिशन मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी कॉम्पोजिशन, इतना हमने ए का लिया सपोज, इतना हमने क्या लिया बी का, ठीक है, तो ये हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, दिस विल बी एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, जो हमने सेकेंड पॉइंट लिखा है यही है, एट एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन द सोल्यूशन विल हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इस कॉन्सेंट्रेशन पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स जो कि हमने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़े हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दे विल बी शोइंग मिनिमम, सॉरी दे विल बी फॉर्मिंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एजियोट्रॉप्स हमारे दो टाइप के हो गए, अब इसी इसको देख लीजिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा कौन सा हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग विल बी शोन बाई पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप विल बी फॉर्मड बाई नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होंगे, अगर इन दोनों के रेशियो में आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, ना इस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा ना इस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, अब पूरा सॉल्यूशन जिसमें ए और बी दोनों एक साथ बॉइल होंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इसीलिए बोलते हैं इसको, कि अब वो पूरा सॉल्यूशन 351.1 केल्विन पे क्या हो जाएगा, बॉइल होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इन सॉल्यूशंस को, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं, दीज कैन नॉट बी, आप एक लिख लीजिए पॉइंट, दिस सॉल्यूशन, दिस मिक्सचर कह सकते हो, दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो सेपरेशन का होता है लिक्विड्स के लिए, वो उसमें लगाते हैं जब दो लिक्विड्स मिले हो आपस में और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस हो, तो क्या करते हैं, बॉइल करते हैं दोनों को एक साथ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बाहर आ जाता है और ज़्यादा वाले का क्या रहता है, वो अंदर ही रहता है। ठीक है, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, पेपर बन के एक बाहर आ गया, उसको कंडेंस कर लिया और बाकी नीचे रह गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, दो लिक्विड मिला दिए और दोनों लिक्विड सेम टेम्परेचर पर बॉइल कर रहे हैं, तो क्या अलग हो पाएंगे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कभी नहीं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, इसको अलग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए एसर्शन रीजन बहुत अच्छे से आएगा, इसमें से ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। बाकी वही, आप अपनी अपने तारे से चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।